वही 26 जुलाई यानी आज पूरे देश सहित ग्वालियर में भी कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ग्वालियर में मुख्य कार्यक्रम शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद 527 जवानों को पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में एनसीसी की 3 मध्य प्रदेश यूनिट कंपू, 15 मध्य प्रदेश बटालियन, 8 मध्य प्रदेश बटालियन ने सूबेदार के नेतृत्व में पथ संचलन किया। कार्यक्रम में आर्मी के पाइप बैंड ने भी प्रस्तुति दी। साथ ही ब्रिगेडियर के डी एस सहादा के नेतृत्व में आर्मी के जवानों, शहर के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में मौजूद स्कूली बच्चों ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। जैसे आप सब जानते ही हैं कि आज हम इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। हमारे ही प्रांत के एक शहीद हैं जो इसी इलाके से हैं, खासकर उनकी और बाकी जितने भी देश की आहुति, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके उनके लिए इकट्ठे हो रखे हैं। मेरा, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, मेरा आग्रह यही रहेगा कि ये देश प्रेम की भावना सिर्फ कुछ दिन के लिए ही ना, हर एक व्यक्ति में, हर एक देशवासी में हर समय रहनी चाहिए। कारगिल के शहीदों को आज प्रणाम किया है। शहीदों को पुष्पित करने के बाद अभी मुझे सूचना मिली, मन बहुत व्यथित है कि हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी हमारे बीच नहीं रहे। कारगिल जो विजय का उत्सव मना रहे हैं उसका 25वां पुष्प 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के रूप में आज यहाँ इस पर्व का आयोजन था। और इस आयोजन में केवल और केवल इन शहीदों से सीखने का संदेश इस नगर ग्वालियर ने लिया। हमारे वीर सपूतों ने जिस प्रकार से तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जीवन को समर्पित कर दिया, आज उनकी प्रेरणा, उनका कृतित्व हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहे। ऐसे अमर सपूतों को आज यहाँ याद करने का हम सब लोगों ने काम किया है। उनको श्रद्धा सुमन इस ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े से उनके चरणों में चढ़ाए हैं। भारत माता के जो वीर सपूत थे, आज वास्तव में उनके मान और सम्मान के लिए हम सब लोग, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, आर्मी के, एनसीसी के स्कूली छात्र छात्र और बड़ी संख्या में सिविल नागरिक यहाँ सम्मिलित होकर के आज यहाँ पुष्पांजलि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत उन सभी लोगों को, उनके इस आयोजन में भाग लेने के लिए सभी को हम धन्यवाद देते हैं और ऐसे आयोजन होते रहें, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।